नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, हिंदी में पढ़ने के लिए और लिखने के लिए स्वर और व्यंजन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक बार फिर दोहराऊंगी, स्वर और व्यंजन। हिंदी में स्वर आ आ, ई ई, उ ऊ, री, ए ए, ओ ओ, अं अहा को कहा जाता है। वैसे ही व्यंजन क ख ग घ, अंगा, च छ ज छ, इया, ट ठ ड ढ, ळ, त ख द ध, न, प फ व भ, म, य र ल व स, श श ह, छ त्र ग्या। क से लेके ज्ञा तक अक्षरों को व्यंजन कहा जाता है और अ से अहा तक के अक्षरों को स्वर कहा जाता है। जैसे इंग्लिश में आपने अल्फाबेट्स पढ़े हैं और अल्फाबेट्स को भी वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स में बांटा गया है, उसी तरीके से हिंदी में भी अक्षरों को स्वर और व्यंजन में बांटा गया है। अभी तक आपने अ से अहा तक का अभ्यास किया है। आज मैं आपको बताऊंगी व्यंजन के अक्षर क, ख और ग के बारे में। तो आइए जल्दी से अपनी पुस्तिका हिंदी शब्द ज्ञान को खोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबके पास ये पुस्तिका है। अपने हिंदी शब्द ज्ञान पुस्तिका को खोलेंगे और पृष्ठ संख्या 9 पर, मैं फिर दोहराऊंगी, पृष्ठ संख्या यानी कि पेज 9 को ओपन करेंगे और आप मेरे साथ इस पुस्तिका को साथ में पढ़ेंगे। ये व्यंजन क है। क कबूतर, क कटहल। एक बार फिर दोहराएं क व्यंजन के बारे में। क कबूतर, क कटहल। ये व्यंजन ख है। ख, ख, सही समझे। आप कैसे इसे बोलेंगे? ख, ख खरगोश, ख खरबूजा, ख खरगोश, ख खरबूजा। मैं बार बार चित्रों पर उंगली इसलिए रख रही हूँ ताकि आप समझ सके कि मैं किस चित्र के बारे में बात कर रही हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ हिंदी अक्षरों में इनके नाम लिखे हैं, जैसे ये लिखा है कटहल और कबूतर। अभी स्वर और व्यंजन का ज्ञान पूरा ना होने के कारण आप शायद इन्हें ना पढ़ सकें, लेकिन चित्र देखकर आप इनको उच्चारण कर सकते हैं। तो फिर से बोलेंगे, क कबूतर, क कटहल, ख खरगोश, ख खरबूजा। अब हम पृष्ठ संख्या 10 पर जाएंगे और पढ़ेंगे ग। ये है व्यंजन ग। फिर से उच्चारण करें, ग, ग गाय, ग गाजर, ग गाय, ग गाजर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपनी पुस्तिका में इसी प्रकार पाठ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं फिर से आऊंगी घ और अंगा के साथ। नमस्कार।